Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, now we will start our exercise 2.3 जिसके आज first 2 questions हम आज इस वीडियो में cover करेंगे. So जल्दी से start करते हैं. Open your books with exercise 2.3 question number 1 and also make sure to subscribe the channel. The first question है 1/4 of का मतलब है multiply 1/4. अब इससे ही related आपको एक किन क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 1/4 ऑफ 3/5 एंड इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है पार्ट नंबर सी दैट इज 1/4 ऑफ 4/3. वेरी सिंपल. सो तीनों को सॉल्व करना है हमें अलग अलग. सो फर्स्ट वन है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 इज 1, 4 इज 16. सिंपली ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट इज 3 1 3, 5 4 20. ये हमारे सेकेंड का आंसर आ गया. एंड द लास्ट वन इज 4 1 4, 4 3 12. बट ये वाला हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है. ये दोनों 4 के टेबल पे आ रहे हैं. 4 1 4 एंड 4 3 12. तो थर्ड का आंसर आएगा हमारा 1/3. आई होप समझ आया होगा. नेक्स्ट करते हैं हमारा इसका पार्ट नंबर बी. सो इस साइड पे करते हैं. इसका बी पार्ट है 1/7 ऑफ 2/9. ऐसे ही उसमें भी हमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं. इसका सेकेंड है हमारे पास 1/7 ऑफ 6/5. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, ऑफ 6/5 एंड द थर्ड वन इज इसी का ही सी पार्ट दैट इज 1/7 ऑफ 3/10. सिंपल, हमें ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट वन देखते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर दैट इज 2. नाउ 9 मल्टीप्लाई 7 इज 63. नेक्स्ट इज 6 1 6, 7 5 35 एंड द लास्ट वन इज 3 1 3 एंड 7 10 70. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अब समझ आया होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर क्वेश्चन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई. आपको सिंपल पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है एंड देन उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. सो फर्स्ट है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3. सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक्सप्रेक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. सो देखो 3 2 6 6 + 2 8 अपॉन 3. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. 16 अपॉन 3 3 9. अब देखो क्या कोई ऐसा टेबल है जिसपे 16 एंड 9 दोनों कटते हैं. नहीं, ऐसा कोई टेबल नहीं है. देखो 16 2 पे आता है बट 9 2 पे नहीं आता है. 9 3 पे आता है बट 16 3 पे नहीं आता है. सो सिंपली हम लिख देंगे कि इसका हमारा आंसर है 16 अपॉन 9. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 2/7 मल्टीप्लाई 7/9. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो दैट इज 14. नाउ 9 7 63. अब देखो ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या. क्या कोई ऐसा टेबल है जिसपे ये दोनों आ रहे हैं. सो यस, ये दोनों हमारे 7 के टेबल पे आते हैं. 7 2 इज 14 एंड 7 9 इज 63. तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/9. बस आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों के साथ कट जाए. देखो ये 7 के साथ कट रहे थे. नेक्स्ट पे चलते हैं. अवर क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 6/4. तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 6 3 6 6 6 2 6 1 6 6 2 12 6 3 18. सॉरी, यहाँ पे 18 आएगा. 8 4 32. अब देखो 18 एंड 32 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. सो कटिंग कर देंगे इनकी. 2 9 18. नाउ 2 16 32. अब 9 और 16 किसी के टेबल पे नहीं आते, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9/16. बहुत सिंपल है, समझ आ रहे होंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ क्वेश्चन में अगेन हमें मल्टीप्लाई करनी है दैट इज 9/5 मल्टीप्लाई 3/5. 9 3 27, 5 5 25. तो देखो ऐसा कोई टेबल है जिसपे ये दोनों कटते हैं. नो, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है. तो सिंपली हमारा फोर्थ का अगेन आंसर आ जाएगा 27/25. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 5th दैट इज 1/3 मल्टीप्लाई 15/8. सो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से करो. 8 3 21. अब ये दोनों किसी पे कटते हैं. सो यस मैम, ये दोनों 3 पे कटते हैं. 3 5 15 एंड 3 7 21. सो यहाँ 5th का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5/7. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट पे चलते हैं. अवर क्वेश्चन नंबर 6 6th है हमारे पास 11/2 मल्टीप्लाई 3/10.
10. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करो, दैट इज 33 अपॉन 20. अब ढूंढो कोई ऐसा टेबल जिसपे ये दोनों आते हो, तो ऐसा तो कोई भी टेबल नहीं है. सो इसका सिंपली हम बिना लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करे लिख देंगे 33 अपॉन 20. नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 12 अपॉन 7. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 फोर ज़ा 48, 7 फाइव ज़ा 35. अब ढूंढो ऐसा कोई जो दोनों पे कटता हो. अब देखो 5, ये 5 पे कटता है, ये नहीं कटता, ये 7 पे कटता है, ये भी नहीं कटता, तो मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है. तो हम इस पे लिख देंगे 48 अपॉन 35. सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया, जिसमें सिंपल हमने मल्टीप्लीकेशन की, जिसमें एक ही रूल लगता है, दैट न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. सो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कल हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. एंड आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.